हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। जो हमने पढ़ाई कर चुके थे, हम एक्सरसाइज अपन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था अबाउट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी सारा काम कर सकती है, तो वो कितना काम कर सकती है, दैट इज इट्स एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी एक तरह की एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी बताई, मैंने एनर्जी बताई केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। तो ये सब अपन ने अलग अलग एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब ये एनर्जी में एक मैकेनिकल एनर्जी है विच डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी एक बॉडी आराम कर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो सकती है अगर अगर आप उसका शेप चेंज कर दो। जैसे कि बो एंड एरो, आपने शेप चेंज कर दिया, तो जितनी एनर्जी आपने शेप चेंज करने में लगाई, वो पूरी एनर्जी वो बो के पास में आ गई, ठीक है, तो वो वापस से स्ट्रेच होकर अपने अपने डीफॉर्म स्टेट से फॉर्मेशन स्टेट में वापस में जाएगा। तो व्हेन द बॉडी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेप, व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेप साइज, शेप या फिर साइज, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि दैट वॉज इलेक्ट्रिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या है कि अगर चेंज हम कर दें इन पोजिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अगर आप पोजिशन उसकी चेंज कर दो, तो उसके अंदर जो एनर्जी गेन होगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, और दैट विच वन, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने पढ़ लिया ऑन द बॉडी वॉज एट रेस्ट। हमने ये भी पढ़ लिया था कि वॉट वॉज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेन द बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में होगी, ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है, तो मैं कहूंगा कि इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। और हमने काइनेटिक एनर्जी का डिराइव भी करके देख लिया था, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे आया था? बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स, उसकी फाइनल वेलोसिटी अपन ने जीरो लेके डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो। आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरीके से अपन ने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला था विथ चेंजिंग द पोजिशन हाइट लेके, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। इतना हो गया हमारा अभी तक का रिविजन। अब हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम हम पहले 9th श्रेणी में पढ़ चुके हैं, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमें इनर्शिया के ऊपर थोड़ा सा जज करने में मदद करता है। दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ ली हाफ एम वी स्क्वायर, जो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव करना भी सीख चुके हैं, हम काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नाउ बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन मास जो है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, मतलब फॉर कैलकुलेटिंग अ मोमेंटम, तो जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना वेलोसिटी इन दोनों को तो सेम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को वेलोसिटी का सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, यानी व्हाट वी कैन डू इज हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे, यानी वेलोसिटी क्या होगी इसमें, p इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड v है, तो v विल बी इक्वल टू p अपॉन m। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास, वेलोसिटी की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है, क्या वैल्यू हो जाएगी ये, मास मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन एम, ये वी का स्क्वायर। तो यहां पे हो गया पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो मास, एंड यहां पे 2m था, एम स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो 1m चला गया, तो क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और इट इज इक्वल टू 1/2m मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोमेंटम टोटलेट करके, दैट मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को k ले लेते हैं, इंटू 2 इंटू m, यानी 2km का रूट। आप चाहो
तो आप यहां से काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वेट कर सकते हो, जैसे अपन ने इक्वेट कर ही चुके हैं यहां पे। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल दिया, अपन ने रिलेशन फाइंड कर दिया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्यों फाइंड किया सर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज समटाइम्स हमें बॉडी का वेट के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना हो, वेट और वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी, सॉरी कि समटाइम्स हमको मास और वेलोसिटी दिया हो और हमें फाइंड करना हो कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो जैसे कि अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में स्टडी किया, हमने डिराइव किया अभी कि मोमेंटम इज इक्वल टू टू इन द होल रूट टू के एम, है ना। अब हमें क्या पढ़ाया गया है, अब हमें ये पढ़ाया गया है कि देर आर टू केसेस, ये केसेस को हमको जज करके एनालाइज करके समझना है कि अगर आपका मोमेंट, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो मास दिया हुआ है तो हम कंपेयर करके देखेंगे भाई किसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसके काइनेटिक एनर्जी कम है, है ना। और अगर सेम यहाँ पे भी दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका मोमेंटम कम है, गिवन द मास। गिवन द मास मतलब हमको पहले से प्रोवाइडेड होगा कि भाई इस बॉडी का मास ज़्यादा है, इस बॉडी का मास कम है। तो देखो बताता हूँ कैसे, कि अगर मैं आपको कहूँ कि मास ऑफ बॉडी ए इज एम एंड मास ऑफ बॉडी बी इज एम, विच डिपिक्ट दैट, या फिर वी कैन से दैट इट इज गिवन दैट मास ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी ए, ये कंडीशन हमको दी हुई है। और हमें पता करना है, हमें पता करना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। कंडीशन इज मोमेंटम दोनों का सेम है। व्हाट इज द कंडीशन? मोमेंटम दोनों का सेम है। तो देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपन, दोनों का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बराबर। और हमने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू, यहाँ पे था वी कर जगह पे अपन रख दिया था, मोमेंटम अपॉन एम स्क्वायर, मोमेंटम एम स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ मोमेंटम स्क्वायर अपॉन एम, तो यहां पे लिख देता हूं हाफ मोमेंटम स्क्वायर, अच्छा मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, ये अपना तो मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि हमको सेम मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा मोमेंटम दोनों का सेम है, इसलिए मैं p ले रहा हूं, ओके स्टूडेंट्स। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2m, क्योंकि मास ऑफ बी डिफरेंट है ना। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तो डिवाइड हो गया, टू एंड टू गेट डिवाइडेड, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा वन अपॉन मास ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू वन अपॉन मास ऑफ बी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ, मास ऑफ सॉरी रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे मास ऑफ बी आएगा, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, क्या बड़ा है, मास ऑफ बी ज़्यादा है सर, तो अगर मास ऑफ बी ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक ही ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दिस कंडीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, सिंपल सा एक रिलेशन है और रिलेशन के बेस पे एक केस है हमारे पास में कि मोमेंटम सेम दिया गया था, मोमेंटम सेम दिया गया था, मास जो है एक का बड़ा एक का छोटा दिया होता, हमें कैलकुलेट करना था कि भाई किसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या किसके काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे अगर मैं उसी कंडीशन से सॉल्व करूं, यानी ये फॉर्मूला में अगर यूज करूं, तो उस तरीके से आप ट्राई करके देखना, 99% आपको आ ही जाएगा, फिर भी नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मास ए का छोटा है, बी का मास बड़ा है, सिंस द सेम कंडीशन, ठीक है। आपको काइनेटिक मोमेंटम बताना है, क्योंकि इस बार आपको दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी सेम, तो मोमेंटम का जो अपन रिलेशन निकाला था मोमेंटम की जगह पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो भी आता है आप एक बार देख के अपडेट कर देना, ठीक है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट बॉडी ए है और जो हैवी बॉडी बी है, लाइट बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर
देन द हैवियर बॉडी इफ द मोमेंटम इज सेम। और सेकेंड केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट बॉडी ए जो लाइट बॉडी है उसका मोमेंटम कम होगा अगर आप कंडीशन दे रहे हो मुझे कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको ये बताता है कि अगर कोई भी एक मूविंग बॉडी, दैट इज हम जो पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो अगर कोई भी एक बॉडी पहले से मूव कर रही है, दैट इज इन मोशन, ठीक है, और आपने इस मूविंग बॉडी पे जितना भी फोर्स अप्लाई करके जितना भी वर्क डन किया है, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, work done by a force on a moving body is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy. Acha, is equal to change in kinetic energy ke jagah pe main ye bhi keh sakta hu ki it is equal to इंक्रीज, क्योंकि वर्क कर रहा हूं ना, तो वर्क कर रहा हूं डेफिनेटली बात है कि वो मोशन ना जो मोशन में थे वो मोशन में और आ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं कैसे हुआ। डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन के लिए मैं कह देता हूं कि इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ। डेरिवेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ, फोर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको कह देता हूँ कि एक बॉडी है, मास उसका एम है, वो बॉडी चल रही थी ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि मूविंग बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी ले लेते हैं, और जब ये इनिशियल से फाइनल तक गई, ठीक है, जैसे कि मैंने जब फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे तो नहीं ना कि मैंने फोर्स अप्लाई किया तुरंत स्पीड बढ़ गई, नहीं, इट टेक्स टाइम, यानी इट विल मूव अलोंग सम डिस्टेंस, तो लेट दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं ले लेता हूं एस। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्क डन बाय दिस फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। हमने तो यही पढ़ा है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी। अब ये फोर्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कैलकुलेट किया हमने, फोर्स हमको पता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कि इस बॉडी के ऊपर जब हमने VU लिया, चेंज कर रहे, तो डेफिनेट से बात, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कुछ तरह का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस एक्सेलरेशन को हम यहां पे लिख देते हैं ए, बराबर। तो यहां पे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं लिख दूंगा, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, अगर आप उनको याद हो तो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2a, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a, a इंटीग्रेट डिवाइडेड। ठीक है,
ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके से. दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द फोर्स, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द फोर्स. ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, वर्क डन बाय द फोर्स आ गया. तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम यू स्क्वायर मतलब क्या? पहले वाली काइनेटिक एनर्जी. एम वी स्क्वायर मतलब क्या? बाद वाली काइनेटिक एनर्जी. डेफिनेटली बात है, जब अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव हो रही थी उस डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. तो देखो यहां पर वही आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज, दिस कैन बी सेड एज के वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. और इसको मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये हो गया अपना वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या कहता है कि जितना भी आप काम करोगे, लेकिन ये काम किसके ऊपर करोगे? ये काम आप करोगे ऑन अ मूविंग बॉडी. जितना भी आप एक काम करोगे ऑन अ मूविंग बॉडी, जितना भी आप एक मूविंग बॉडी के ऊपर काम करोगे, दिस काम विल बी इक्वल टू, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ये इसका डेरिवेशन है जो हम पहले से काफी फॉर्मूलेस को पढ़ चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या? अगर बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो इसका मतलब या तो सीधे जा रही चल रही होगी, ठीक है, या तो अबाउट एन एक्सिस रोटेट हो रही होगी, या तो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है. सो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की है. द सबसे फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे कि आई कैन से दैट अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, या फिर मैं कह सकता हूं कि अ फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब पता है ना कि अगर मैं ये पेन है, ये पेन को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो एकदम फ्री फॉल एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और एकदम स्ट्रेट, तो दैट इज अ फ्री फॉल. ये भी एग्जांपल है क्या, अ फ्री फॉल. यहां पे बढ़ते हैं ऑन द सेकेंड टाइप. द सेकेंड टाइप इज रोटेशनल मोशन. क्या है सेकेंड वन? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मतलब क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस, मतलब वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और वो फिक्स्ड पॉइंट के मदद से अगर रोटेट होती हो तो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन का अपन एग्जांपल ले सकते हैं अ स्पिनिंग टॉप, अ रोटेटिंग व्हील. ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल अ रोटेटिंग व्हील, या फिर मैं कह सकता हूं फैन. फैन किस तरह से रोटेट होता है? एक एक्सिस है उसका और वो एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मोशन आपको पता चल गया, और अगर वो मोशन उसके पास में जितनी भी एनर्जी होगी दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वाइब्रेशनल. ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. पसंद क्या होगा आपको? वाइब्रेशनल, द टू एंड फ्रो मोशन. तो जो टू एंड फ्रो मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी आती है, डेफिनेटली होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि मैं कह सकता हूं कि एक वायर है जो दोनों साइड से स्टक है और जब आप उसको जोर से स्ट्रेच करते हो, क्लैम करते हो, तो वो ऐसे लाइक रबर बैंड, लाइक एनी काइंड ऑफ थ्रेड भी जिसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है,
तो दैट इज ऑल्सो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अ वायर क्लैंप्ड एट बोथ द एंड्स व्हेन स्ट्रक इन द मिडिल. थोड़ा आपको समझाने के लिए, अ वायर क्लैंप्ड एट बोथ द एंड्स एंड, मतलब अभी तो इसको रोक दिया था मैंने दोनों एंड से, एंड स्ट्रक एट द मिडिल. ठीक है, जैसे कि देखो ये वायर था मेरा इस एंड से और मैंने बीच में से उसको स्ट्रक किया, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे से होगा. अगर एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में होता है, ठीक है, जैसे कि दिस वन आपको याद होगा पेंडुलम, तो पेंडुलम इज ऑल्सो अ वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. पेंडुलम के पास में कौन सी एनर्जी होती है? पेंडुलम के पास में भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 2B. वी विल मूव फर्दर विद एक्सरसाइज 2C टुमारो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो.